बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दैट्स गुड वन। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गुस्से पर। अब पता गुस्सा, हमें ये नहीं पता कि हमें गुस्सा आता क्यों। गुस्सा एक फीलिंग, एक जज्बे का नाम है और कुछ भी नहीं है। मैं अगर मज़े की बात बता दूँ कि दिमाग जो है ना बड़ा कमज़ोर है, कमज़ोरी से सुन लें मसला क्या है। ये एक वक्त में एक काम कर सकता है, या रोएगा यहाँ से गा। कभी मैंने तो किसी को दूर काम करते हुए नहीं देखा। तो मैं इसको हल की तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन मैं वजह बताता हूँ कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आता है फ्रस्ट्रेशन से। फ्रस्ट्रेशन काजेज एग्रेशन। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट जो है वो हालात से हो रहे हो, नहीं नहीं, इन्वायरमेंट से हो सकते हैं। अगर आपके पाँव में जूता आपको काट रहा है उससे भी आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अगर सीट अभी कंफर्टेबल नहीं उससे भी आप फ्रस्ट्रेशन। अगर टाइमिंग आपकी ऑकवर्ड है तो उससे भी आप, कोई भी चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती है उसके बाद आप एग्रेशन करते हुए नजर आते हैं। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात नज़र आ रही है, खास तौर पर हमारे बच्चे जो है बड़े एग्रेसिव रवैया दिखाते हैं, तो ये बात यहाँ से सुन लें, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ जो बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम अपने एनवायरनमेंट में लोगों को देखते हैं तो हम समझते ये हैं कि एब नॉर्मल वो होगा जो अपने कपड़े फाड़ ले या मिट्टी सर पर डाल ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर वो शख्स एब नॉर्मल है जो नॉर्मल रूटीन के काम नॉर्मली नहीं करता। अभी आपका बच्चा, मैं कहता हूँ यार एक गिलास पानी लेकर आएँ, आप लाते हैं ढक करके रखते हैं और वो आधा गिर भी जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे रियलाइज़ करना है देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वी नीड टू चेक इट आउट, वी नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अब करना क्या है, अगर हम पहले तो कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करना है ताकि हम अदर, जब मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकता अपने को, मैं दूसरों को कैसे कंट्रोल करूंगा। मैं जादू की छड़ी आपको बताता हूँ करना क्या है। जब कुछ एग्रेसिव है, ठीक है ना, चेंज द क्लाइमेट, यू विल चेंज द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल। क्लाइमेट जैसे बादल, देखे बादल आते भाई सब खुश हो जाते हैं, इसी तरह जब कोई शख्स लड़ाई कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, नहीं, लेट हिम गो थ्रू, उसको जाने दें, फ्लो करने दें, जब कर लेगा करता रहे। लेकिन आपने कोई ऐसी बात करनी है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एग्रेसिव हूँ, लड़ाई, आपने ऐसा नहीं करना टाइम पे, कोई भी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मुझे ये कह देते हैं सर आपकी जो छोटी बेटी है ना बड़ी प्यारी है सर, बड़ी प्यारी बातें करती है, हाँ मुझे बताएं मैं आपसे लड़ूंगा कैसे, मैं तो लड़ने आया था। इसी ये टेक्निक है घर में भी, खासतौर पर वालदेन जो हैं कभी भी हो रहा हो तो कोई ना कोई ऐसी बात कर दिया करें जिससे कि अब ये दिमाग बड़ा कमज़ोर है, या तो हंसेगा या रोएगा ना। अब जैसे आपने हंसने वाली और अच्छी बात कर दी, अब वो गुस्सा नहीं कर सकता, नो टेंशन। लेकिन गुस्से का कंट्रोल करने के लिए अब आपने करना क्या है, जब कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो, स्माइल इन एनी वे। जैसे आप मुस्कुराएंगे ना, जैसे मुस्कुराएंगे दिमाग पागल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा मैंने क्या करना, तो गुस्सा कर रहा था, आप मुस्कुरा रहे, ये तो अलग अलग चीज़ें हो गई, ऐसा वो अलग अलग कर नहीं सकता, ज़रा समझिएगा। तो हमने टेक्निक, अब ऐसा नहीं करना कि किसी के जो लड़ने वाला है उसके सामने आप मुस्कुराना शुरू कर दें। चेंज योर साइड समवेयर एल्स एंड जस्ट, दिल में ही मुस्कुराते हैं लेकिन आपने एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं देना। और मैं मैजिकल रिस्पॉन्स आपको बता दूँ, हम जो मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं, अलमिया ये है, अलमिया सुन लीजिए, इंसान को जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि अननेसेसरी रिएक्शन एंड ओवर रिएक्शन, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट एंड ओवर इन्वॉल्वमेंट। मिसाल के तौर पर छोटा सा ग्लास खींचकर टूट गया, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा या फाड़ दूंगी, वही वट हैपन, नो प्रॉब्लम, ग्लास पूरी जिंदगी टूटते रहे। हमें ओवर रिस्पॉन्स नहीं करना। इसी तरह से ओवर इन्वॉल्वमेंट, किसने कहा था, कौन था, क्या बात कर रहा था, ये ओवर इन्वॉल्वमेंट है यार, कह दिया किसने। अरे भाई मेरी बात ध्यान से सुन लें, जब लोग आपके मुतालिक बातें करने लगें, आपको बुरा भला कहने लगें, बस समझ जाएं आप मशहूर हो रहे हैं, तो कहने दें, इंतजार करें। मैं तो खुद कहता हूँ लोग आए मेरे मुतालिक बातें करें, भाई आप तो भाई फलाने का, मुझे पता चल गया मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच प्लीज़।